एकदम गाइस आंधी आ चुकी है गाइस। जैसे नजारा देखा जाए तो देख लो गाइस ये सब क्या। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द व्लॉग। एंड गाइस मैं आज आ चुका हूँ मामा के घर से अपने घर। एंड फाइनल देख लो अभी बज रहे सुबह के 9:45 करीब। एंड देख लो हमारे यहाँ की बारिश, एंड बारिश की वजह से ये पूरा रास्ता अपना ब्लॉक रहता है। अभी तो कम ही बारिश आई है, वरना ज़्यादा जब बारिश आएगी ना तब ये पूरे का पूरा भाई यहाँ पे पानी भर जाएगा, चलने भी दिक्कत होगी। एंड छोटी गाड़ी है तो भी चल भी नहीं सकती क्योंकि पानी ज़्यादा भर जाता है। एंड रास्ता कच्चा है, अंदर टायर भी उतर जाते हैं कभी कभार। तो गाइस एंड कल से अपना जो रनिंग वर्कआउट है, जो क्रॉस का कंप्यूटर स्टार्ट है, वो भी कल से स्टार्ट हो जाएगा। अभी एक हफ्ते से बंदा देख लो यहाँ पे मूंगफली का पाक है। एंड अभी यहाँ तक तो भाई कुछ यहाँ पे कोई खेती नहीं की गई, बाकी देख लो यहाँ बारिश का पानी। एंड गाइस तो मैं आपको घर जाके मिलता हूँ, बाकी ये रास्ता है देख लो। एंड गाइस सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को ऐसे लोग देखने के लिए, ठीक है गाइस। देख लो ये मिट्टी की थोड़ी थोड़ी तोड़ी गई है क्योंकि ये रास्ता थोड़ा ऊपर हो सके, बाकी देख लो। तो फाइनली गाइस देख लो मैं आ चुका हूँ घर। एंड अभी सारी बाइक को वही खींचना है, आपको सारी दिख रही होगी, देख लो आगे सारी को एक साइड पे करना है। एंड फिर आएगा ट्रैक्टर तो इन सबकी खेड़ हो जाएगी, देख लो भाई एकदम हरा है साफ, पूरा जमीन हो चुकी है। तो वहाँ पे भाई ट्रके के बाद उसको मूंगफली लगानी है पहले तो। एंड गाइस धूप इतनी हो रखी है इसमें, तो पापा अभी जाने वाले हैं मार्केट मूंगफली लेने के लिए, तो इस साइड इस तरह को खींचते हैं। खींचो तो गाइस देखो एक पाइप खींच ली हमने, अभी ये बाकी है। इस तरह के सार है भाई, साग बहुत सारी है भाई, तू भी इतनी रखी है सच में, देख लो भाई। एंड कितनी होगी पता है, 20 पाइप तो होगी कम से कम, तो 20 से 20 को एक साइड करनी है। फिर पापा जा रहे हैं मार्केट मूंगफली लेने के लिए, तो फिर ट्रैक्टर आएगा। इन सब जो घास की भी खेड़ाई भी अभी तक करनी बाकी है, फिर उसके बाद पहले लगेगा घेरा, उसके बाद लगेगा कल्टीमीटर, फिर भाई सब एकदम खेत रेडी हो जाएगा, फिर आएगी आर्मी। और फिर वैसे देख लो वहाँ पे दवाई डल रही है, पोपड़ भाई डल रहा है और भाई पसीना पसीना हो रहा है, पूरी बॉडी लाल हो रही है। देखो बारिश की वजह से ज़मीन की दिख हुई, फिर पानी भी नहीं पीली ज़मीन, देख लो सावर। अभी जा रहा पानी पीने के लिए, पानी पीने के बाद फिर से आएंगे रेस्ट करने के बाद सारी पाइप को खींचने के लिए। तो पाइप खींचने का जो काम था वो भी खत्म हो चुका। एंड यहाँ पे बीच में तार लगा हुआ था वो भी मैंने साइड कर दिया है। एंड अभी जस्ट थोड़ा ब्रेकफास्ट करूँगा एंड देखो काम खत्म होगा, उसके बाद अब पवन हो रहा है, देख लो इस इतनी देर तक धूप थी, जब काम खत्म हुआ तब अब पवन आ रहा है, कोई बात नहीं है वो नसीब की बात है। बाकी सारा जो काम था वो तो खेत का ख़त्म हो चुका है, जब ट्रैक्टर आया इनकी सारी को आवाज़, अब जब ट्रैक्टर आया तब बस खेत करना बाकी है। अभी जस्ट मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, जब हमने रेस्ट लिया उसके बाद हम सडल चले गए थे पाइप खींचने के लिए। बाकी देख लो भाई आज का मौसम बहुत सुहाना हो रखा है, आया तो जाएगा बारिश लग तो रहा है, बाकी आप बताना कमेंट में कि आपके वहाँ बारिश है कि नहीं, ठीक है। बाकी देख लो भाई नेचुरल व्यू एंड पक्षियों की आवाज़ सुनो, है ना गाइस, लाइक कर लो इसके लिए गाइस। तो देख लो दिन के बज रहे हैं 3 एंड पापा लेके आ गए पेट्रोल बाजार से, देख लो पापा वहाँ पे सिर्फ गाय पैसे को चार डाल दे एंड पेट्रोल लेके आए, तो अपनी इस लजेटर के अंदर बाइक के अंदर अपने पेट्रोल लाना है। एंड नई बाइक तो भाई बड़े भैया लेके गए, तो इसको पहले मैं टंकी खोलता हूँ टंकी का, देख लो। एंड फिर इसको अंदर डालते हैं पेट्रोल, इसको यहाँ पे रख देता हूँ पहले मैं, खोल दिया, फिर चाबी को लगा दिया यहाँ पे इस पॉइंट पे, देख लो इस चला गया अंदर। 2 लीटर लग रहा है पेट्रोल, कितना लाया पापा? 200 रुपये का, 200 तो 2 लीटर के ऊपर आएगा वा, क्योंकि 96 रुपीज़ का है 1 लीटर। तो ये आम का रस पी गया, इसकी प्यास बुझा दी, तो अब इसका मुँह करते हैं। चलो गाइस आप किस तरह से आपने कभी पेट्रोल डाला है वो मेरे को ज़रूर बताना। बाकी देख लो ट्रैक्टर आ गया, कल्टीमीटर स्टार्ट है, नहीं पहले तो घेरे से खेड़ हो रही है, देख लो
एंड कई पैसे को चार भी डाल दिए पापा ने। वो गाय जो है ना वो ब्लैक वाली, ब्लैक एंड वाइट, वो बीमार हो गई थी तो डॉक्टर को भी बुलाया, दवा भी हो गई। ठीक है तो अभी चाय भाई पियेंगे फिर हम वहाँ आपको खेत में लेके जाते हैं। सभी मैं जा रहा हूँ माचिस एंड इस चप्पू को लेके, यानी कि दातरड़ को लेके। इन सब जो कचरा है वो खेड़ हो रही है तो इन सबको पहले एक बार जला देते हैं। तो सूखी घास है इसको जलाते हैं, माचिस को रखते हैं अंदर। भाई देख लो मौसम फुल बारिश का, बारिश गज के आ रही है एकदम सज धज के, तो पक्का हो गई हो रही बारिश। तो गाइस मैं इसको एक साथ पहले इकट्ठा कर देता हूँ। देख लो गाइस ट्रैक्टर चल रहा है अपने यहाँ पे खेत में, एंड मैं आपको पूरा एकदम व्यू बढ़िया सा दिखाऊँ। गाइस देख लो यहाँ से, यहाँ पे देख लो खुला आसमान, ये अपना सारा घर देख लो। है ना गाइस पीछे का एक नंबर व्यू है ना, इसके लिए लाइक कर लो। बाकी अब इसको जला दे, देख लो पापा ने जला दिया इसको, तो एक नंबर देख लो भाई बढ़िया से जल रहा है। गाइस देख लो ये जल रहा है, ऊपर देखो पत्तियां हिल रही है, पूरी घास बेकार का था भाई वो जला दिया। सांस लेने में दिक्कत हो रही है गाइस, देख लो धुआं की वजह से भाई। इतनी तो गर्मी है और इसके बगैर पास जाने के बाद जो टेम्परेचर की जो दौड़ जो बढ़ जाती है वो सच में इतनी डेंजरस है। बाकी देख लो भाई बारिश गज रही है सच मुझ में, बारिश की वजह से जो अपने खिले है ना गाय पैसों बनने का वो एकदम बच चुके हैं। इसको देखो जला दिया है, ट्रैक्टर वाले पापा और अपने अंकल वहाँ पे बात कर रहे हैं, इसको जला दिया है फिर जल जाएगा। तब तक मम्मी बना रही चाय, तो हम चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद फिर जो काम होगा, मोस्ट ऑफ द काम तो अभी नहीं है। देख लो अब वो भी आ रहे चाय पीने के लिए, तो अब इसको जलने देते हैं, धुआं निकल रहा है वो गीला इसलिए। तो गाइस देख लो फाइनली आ चुकी है अपनी मूंगफली के बीच अक्षय सीड्स, अपने अक्षय नहीं अपनी निधि है, कहाँ गई वो लेके गए एक खाद के बोरे। देख लो टेम्पो, टेम्पो वाले भी अंदर उतारे, तो अभी खाद कौन से वाले पता नहीं, पता नहीं है तो अभी देख लो आ रहे। ये सब खाद है, ये सब उतरना पड़ेगा अभी। देख लो अंदर जा रही है खाद। यह था टेम्पो छोटा सा बड़ा सा जितना भी जितना हो, अपने गांव में हर तरह अलग अलग दो तरह के टेम्पो है, ये भी ये है। चलो टेम्पो घूम रहा है अभी निकल जाएगा। इस फेस को देखो भाई डर रही है, जान दो भाई जान दो, ट्रैक्टर वाला दिखाओ सॉरी टेम्पो वाला ब्लैक एंड जान दो। चलो भाई साहब चलो टेम्पो भी चली गई, पैसे की लेन देन हो रही है। खाद के बोरे अंदर दो है, चार मूंगफली के येलो वाले मूंगफली के, ये है खाद। ओ गाइस सच्ची में देख लो यार तगड़ा एकदम भाई, आंधी आ चुकी है गाइस डेंजरस एंड खतरनाक। बाहर का अगर आपको नजारा दिखा जाए तो देख लो गाइस ये सब क्या हो रखा है भाई साहब सच्ची में। गाइस कुछ अमेजिंग चीज हो गई और अचानक से इतनी आंधी आई है, देख लो आइस बादल, बादल कितनी स्पीड से भाग रहे देख लो भाई, है ना डेंजर से गाइस अचानक से आ रही है। इसमें मैं तो नहाते, मैं नहा रहा था, नहाने के मैं अभी तक शर्ट भी नहीं पहना, डायरेक्ट आ चुका हूँ देख लो गाइस। ओ माय गॉड गाइस बारिश के कुछ कुछ बूंद भी आने लगे। गाइस देख लो भारी भड़कम पवन के साथ तगड़ी बारिश, देख लो अब नेवों से भी पानी टपक रहा है एंड हाथ में से भाई तीखी तीखी। तो इस खाने की कुछ मजा ही लगे, ठंडी सॉरी ठंडी के मौसम नहीं इस बारिश के मौसम एंड है ना गाइस अमेजिंग चीज, तीखा खाने की कुछ मजा ही अलग है। बाकी देख लो अपने घर पे पहली बार बारिश देखी इस मौसम की सच में यार, एक बार देखी थी वो तो नामा क्या करती। बाकी देख लो गाइस सच्ची में यार इस विंडो से कुछ अलग तरीके से व्यू आ रहा है, देख लो गाइस ट्रैक्टर अभी तक चल रहा है, कहाँ है कुछ दिख नहीं रहा भाई। बाकी आवाज देखो एक बार सुन लो भाई सच्ची में यार बारिश के मौसम में तो कुछ मजा ही लगे। कुछ चल रहा है पवन ज्यादा इसलिए अभी नुकसान थोड़ा बहुत होगा,
पेड़ पौधे की डालियां गिरेगी। बाकी देख लो अपने न्यू बफेलो हाउस। बाल्टी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, आप बारिश के सारे का सारा पानी यहाँ पे इस नेव का। बाकी भाई सब बाहर जा रहा है पवन की वजह से, ठिकाना नहीं है क्या। यहाँ पे सारे फोटो यहाँ पे भी कैमरा पे भाई देख लो पानी आ गया, इसलिए कुछ थर्मल से देख रहे हैं। ये फोटो सारे के जाते हैं पवन की वजह से। गाइस यहाँ पे देख लो शावर जैसे बूंद बूंद रखे है, धुम्मस दौड़े धुम्मस। गाइस देख लो बारिश आ जाने के बाद पार का व्यू, फाइनली बारिश रुक चुकी है। देख लो भाई सारी जगहों पे पानी पानी भर चुका, यहाँ से भी अभी तक पानी टपक रहा है, कहाँ दिख नहीं रहा है देख। बाकी देख लो इस खेत में पानी भर गया, अपने जो ट्रैक्टर ने खिड़की वहाँ बीच बीच लाइनों पे देखो पानी भर गया। यहाँ पे मिट्टी भी डालना बाकी था, यहाँ पे पानी भर गया एंड देखो दोनों यहाँ पे एंड देखो इतना पौधा है चार भाई अपने यहाँ भी गिर गई। बाकी तो भाई साहब इन दोनों गायों को तो भाई मज़ा आ गई, नो टेंशन बिना गिले हुए तो अंदर रह गई एंड इन सारी भैंसों को बाहर बंधी हुई थी, भैंस तो भाई पानी सह लेती है इसलिए कोई बात नहीं। बाकी देख लो नीम की क्या लोई इस तरह से मुझकी डालिया, बाकी इन साहब को खोल डालिया। मैं निकल चुका हूँ देखो इस पहाड़ और किले को लेकर वहाँ पे, क्योंकि हमें खड्डा मैंने जो खोदा था वहाँ पे लगाना है एक लकड़ी, क्योंकि हमें सोलर जो तार है वो बांधना है। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ फाइनली एंड इस पानी भाई देखो बारिश तो रुक चुकी है, तो एक लकड़ी भी लेनी पड़ेगी, तो इस लकड़ी को बाद में लेने के लिए आता हूँ मैं। फिर देख लो मैंने यहाँ पे खड्डा खोद रखा है, यहाँ पे इन दोनों को रखता हूँ, एक तो गया नीचे। बाकी देख लो यहाँ का व्यू है ना एक नंबर, फिर से देख लो इस बारिश आने लगी है, कुछ कुछ बूंद आने लगी, जैसे ही मैं सर्दी बाहर निकला वैसे ही बारिश स्टार्ट। कैसे देख लो मैंने यहाँ पे खड्डा खोद के इस लकड़ी को एक बढ़िया तरीके से खड़ा कर दिया, यहाँ से खड्डा खोदा यहाँ पे मिट्टी डाली। तो फिलहाल गाइस मैंने तार भी बांध दिया, देख लो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ ये जो लाइन जा रही है पूरी वहाँ तक, मैं वहाँ पे गया था, देख लो ये तार हो चुका है अपनी सब्जी गुआर है। बाकी देख लो मौसम अभी तक वैसे का वैसा ही है, बारिश की भी बूंद आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी जस्ट मैं जाता हूँ गांव में दूध देने के लिए, फिर आता हूँ। तो अभी आज के लिए बस इतना ही, ऐसे लोग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।